हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ तनु सैनी। आज हम पढ़ेंगे क्लेविकल। इसके बारे में पढ़ेंगे क्या इसका डिटरमिनेशन है, इसके में कौन कौन सी मसल्स अटैच होती हैं, कौन सा इंसर्शन होता है। तो हम पहले जानते हैं कि ये क्लेविकल कहाँ पर सिचुएटेड होती है। तो ये क्लेविकल आपकी अपर लिम्ब की बोन है जो आपके शोल्डर रीजन में होती है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल ऐसे आपके बॉडी में सिचुएटेड रहती है। ये आपका इसमें एंटीरियर एंड और इन्फीरियर पार्ट जो होता है नेक का, उसमें सिचुएटेड रहती है। ये आपके इस तरीके से रहती है कि आपका जो आर्म है वो आसानी से स्विंग कर पाता है। और ये जो क्लेविकल है, ये आपका मतलब जो स्टर्नम है उसका या अपर लिम का वेट को ट्रांसमिट करती है, मतलब कि जो अपर लिम है उसको स्टर्नम में ट्रांसमिट करती है। देन इसमें देखिए मीडियल एंड, जो मीडियल क्या होता है, जो सेंटर की तरफ होता है, तो ये यहाँ पर सेंटर की तरफ होगा। जो मीडियल एंड होता है क्लेविकल का, वो आपका स्टर्नम से अटैच होता है। ये यहाँ से अटैच होता है स्टर्नम से। और जो इसका जो आपका इसमें लेटरल एंड होता है, ये आपका कहाँ जाता है, ये आपका ह्यूमरस से अटैच होता है। इसके देखिए कुछ मतलब इसके कुछ स्पेशलिटीज़ हैं क्लेविकल की, तो मैं बता देती हूँ कि ये लॉन्ग बोन है जो आपकी हॉरिजॉन्टल सिचुएटेड रहती है। और इसमें दो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स रहते हैं। ये आपकी एक ऐसी बोन है जो मेम्ब्रेन में ऑसिफाई होती है। और ये आपका सबक्यूटेनियस रहती है थ्रू आउट द लेंथ। जैसे आपको ये दिख रही है, आप इसे फील कर पाएंगे अपनी बॉडी में, तो ये आपकी सबक्यूटेनियस रहती है। और इसमें कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। नेक्स्ट इसमें देखिए एक्सटर्नल फीचर्स क्या होते हैं। इसमें इसमें दो एंड होते हैं, ये एक है और ये दूसरा है, और बीच का जो है ये आपका शेफ्ट है। नेक्स्ट इसमें है कि इसमें दो एंड है, एक आपका लेटरल एंड है, दिस वन जो आपका एक्रोमियल एंड है उसमें जाता है स्टर्नम जो होता है आपका स्कैपुला से अटैच होता है ये। और जो मीडियल एंड है ये स्टर्नम से अटैच होता है। नेक्स्ट इसमें है जो आपका लेटरल एंड है, मींस आपका ये जो लेटरल एंड है इसमें एक फैसेट होता है जो आपका एक्रोमियल प्रोसेस जो होता है स्कैपुला में, वो हम बताएंगे आपको, उससे अटैच होता है दिस वन। ये आपका फैसेट है जो आपके स्कैपुला से अटैच होता है और ये एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। नेक्स्ट इसमें मीडियल एंड है, इसमें क्या होता है, ये जो है आपका मीडियल एंड है जो आपका स्टर्नम से अटैच होता है और स्टर्नो आर्टिकुलर जॉइंट बनाता है। नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ पर हमने मसल्स बता रखी हैं, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसमें देखिए शेफ्ट है, ये आपका इसको छोड़ दीजिए, जो बीच में बचा है ये आपका शेफ्ट है। इसे हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। मीडियल को हमने टू थर्ड लिया है, दिस वन, ये मीडियल टू थर्ड है, और ये आपका लेटरल वन थर्ड है। इसमें बॉर्डर आपका होता है, एक एंटीरियर बॉर्डर होता है ये, और एक पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, जो मतलब आपको शार्प लाइन दिखे वो आपका एंटीरियर है आगे की तरफ, और पीछे की तरफ पोस्टीरियर। ये आपका देखिए, ये आपका जो बैठ रहा है एंटीरियर में कॉनकेव, जो कॉनकेव सरफेस है इसकी वो फ्लैट है। ये आपकी कॉनकेव सरफेस है एंटीरियर में। और इसमें आपको क्या मिलेगा, ये आपकी डाउनवर्ड रहती है, देखिए डाउनवर्ड जा रही है ये। और पोस्टीरियर क्या रहेगा, पीछे की तरफ जो होता है बॉर्डर, ये आपका कॉन्वेक्स जाएगा। और ये आपका इसमें दो बॉर्डर होते हैं, दो सरफेस होते हैं, दो बॉर्डर है और दो सरफेस है ये। नेक्स्ट इसमें क्या है, सरफेस है इसमें सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर आपकी कौन सी होती है, जो ऊपर की तरफ रहती है, और इन्फीरियर जो नीचे की तरफ रहती है। इन्फीरियर में क्या दिखेगा आपको, रिज दिखेगा, ट्रेपेजॉइड रिज जिसे कहते हैं, ये आपका है। और इसमें एक कोनिकल एलिवेशन होता है, ये आपका कोनिकल एलिवेशन, जिसे हम कोरोनरी ट्यूबरकल कहेंगे, देख रहे हैं आप, ये आपका ट्यूबरकल है। नेक्स्ट इसमें देखिए मीडियल टू थर्ड जो होता है आपका, मिडल टू थर्ड, दिस वन, ये इसमें क्या होते हैं, चार सरफेस होते हैं। एंटीरियर, ये आपका एंटीरियर सरफेस है, पीछे पोस्टीरियर सरफेस है ये, और ये सुपीरियर है, और नीचे इन्फीरियर है।
तो यहाँ पर आपको चार सर्फेस मिलेंगे मीडियल टू थर्ड में, ओके। और अब हम इसमें साइड डिटर्मिनेशन करते हैं। साइड डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, इसमें हमें देखना है कि जो लेटरल साइड है वो आपकी फ्लैट होनी चाहिए। फ्लैट कौन सी है, ये है, तो मतलब आपकी ये लेटरल साइड है, ये लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है। फिर इसमें इन्फीरियर सर्फेस में क्या होता है, ग्रूव होता है। इन्फीरियर सर्फेस नीचे की तरफ होती है, इसमें एक आपको ग्रूव मिलेगा, जैसे हम सब क्लेवियन ग्रूव कहेंगे, ये आपका ग्रूव है। और इसमें एंटीरियर सर्फेस जो होता है मीडियल टू थर्ड, जो आपका क्लेविकल है दिस वन, मीडियल टू थर्ड जो है आपका ये कॉन्वेक्स होता है। देखिए कॉन्वेक्स आ रहा है ना फॉरवर्ड में, क्योंकि बोन आपकी ऐसे ही रहती है, मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ आपको, लेकिन बोन आपकी ऐसी रहती है। देखिए फॉरवर्ड आपको थोड़ा सा उभार दिख रहा है, ये आपका ऐसे रहेगा। नेक्स्ट इसमें है अटैचमेंट, हम पढ़ेंगे मस्कुलर भी होता है और लिगामेंट भी होता है। तो मस्कुलर के हम ओरिजिन देखेंगे पहले, डेल्टॉइड, पेक्टोलरिस मेजर, स्टेनोक्लेडियोमेस्टॉइड और स्टर्नोहायोइड, ये आपके ओरिजिन है। और इंसर्ट कौन सी होती है इसमें, ट्रेपेजियस और सबक्लेवियस। देखिए डेल्टॉइड कहाँ पर होती है, ये क्लेविकल के लेटरल वन थर्ड पार्ट में। आप लेटरल कहाँ है, तो लेटरल आपका ये होता है लेटरल वन थर्ड पार्ट में, कहाँ पर, एंटीरियर बॉर्डर की तरफ, तो ये यहाँ पर होगी डेल्टॉइड जो आपका ओरिजिन होगा। और नेक्स्ट इसमें पेक्टोलरिस मेजर, ये क्लेविकल की मीडियल टू थर्ड में, मतलब क्लेविकल ये है, मीडियल टू थर्ड ये पार्ट है, और उसका एंटीरियर सर्फेस दिस वन, ये एंटीरियर सर्फेस, यहाँ पे आपकी पेक्टोलरिस मेजर इंसर्ट होगी, मतलब कि आएगी ये कहीं से, ठीक है, दिस वन। स्टेनोक्लियोडियोमेस्टॉइड ये कहाँ पे होती है, ये क्लेविकल के टू थर्ड पार्ट जो होता है, मतलब क्लेविकल का मीडियल का टू थर्ड पार्ट दिस वन, और इसका जो सुपीरियर सर्फेस होता है, मतलब कि ये वाला, यहाँ पर आपको स्टेनोक्लियोडियोमेस्टॉइड दिखेगी मीडियल पार्ट में। देन स्टेनोहायोइड में आप क्लेविकल की मीडियल टू थर्ड दिस वन आपको क्या दिखेगा, पोस्टीरियर सरफेस में, पोस्टीरियर सरफेस पीछे की तरफ होता है और आपके लोअर पार्ट में होगा दिस वन, यहाँ पर आपको स्टेनोहायोइड दिखेगी, ओके। देन हम इसमें इंसर्शन देखते हैं, ट्रेपेजियस जो होता है यहाँ पर क्लेविकल के लेटरल वन थर्ड में होता है, ये क्लेविकल है, इसका जो लेटरल वन थर्ड है दिस वन, इसके पोस्टीरियर बॉर्डर में, तो पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ होगा, दे ये जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, ट्रेपेजियस इंसर्ट होगी आपके। नेक्स्ट है इसमें सब क्लेवियस, तो सब क्लेवियस कहाँ होगी, मीडियल के टू थर्ड पार्ट में, मतलब मीडियल कहाँ है, ये मीडियल है, मीडियल का टू थर्ड पार्ट ये है, इसके इन्फीरियर सरफेस में, मतलब दिस वन, ये जो इन्फीरियर सरफेस है यहाँ पर ऊपर सब क्लेवियन ग्रुप दिखेगा, ठीक है, तो ये आपका सब क्लेवियन ग्रुप होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, हम जो ओरिजिन दिखाते हैं वो हम रेड से दिखाते हैं और इंसर्शन हम ब्लू से दिखाते हैं। तो इसमें आपका जो ट्रेपेजियस है वो आपके मीडियल में, सॉरी इसमें लेटरल में दिखेगा वन थर्ड पार्ट में, और डेल्टॉइड आपकी ओरिजिन होगी वो भी वन थर्ड पार्ट में होगी, इधर यहाँ पर आपको डेल्टॉइड इंसर्ट दिखेगी और यहाँ पे ट्रेपेजियस, सॉरी ट्रेपेजियस इंसर्ट दिखेगी और डेल्टॉइड ओरिजिन दिखेगा इसमें। नेक्स्ट इसमें क्या है, स्टेनोक्लियोडियोमेस्टॉइड आपको यहाँ दिखेगा और इसमें स्टेनोहायोइड मसल्स आपको इसके ऊपर दिखेगी यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट इसमें सबक्लेवियस मसल्स कहाँ होगी, सबक्लेवियन ग्रुप में होगी ये, और ट्रेपेजियस, ट्रेपेजियस आपके इधर ही होगी लेटरल एंड में, इधर लेटरल एंड में होगी, ओके। तो ये था आपका मसल्स कैसे ओरिजिन होती है और कैसे इंसर्ट होती है, तो मैंने आपको ये शॉर्ट में बता दिया है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। इसमें लिगामेंट भी होते हैं, कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट एंड एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट और कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, कोरेकोक्लेविकुलर जॉइंट्स होता है इसमें, कोरोनॉइड पार्ट और ट्रेपेजॉइड पार्ट। तो ये है हमारा क्लेविकल जिसके बारे में हमने जाना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।